आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 17 के बाजीगर से अभिषेक कुमार। बाजीगर कहते हैं। हाँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तू हार गया है, ट्रॉफी नहीं मिली, बट तूने पूरे भारत का दिल जीत लिया और तू डिजर्विंग है। ये सुन के भी इतना अच्छा लगता है ना कि आपको डिजर्विंग बोला जाता, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले तो आशीर्वाद जो माँ का मिला उसके बारे में बात करते हैं, इससे थोड़ी स्ट्रेंथ और मिली। मैं भगवान पे बहुत बिलीव करता हूँ और मेरी फैमिली मुझसे भी ज़्यादा, हम ब्राह्मण फैमिली से, तो जब माँ ने ये दिया मैंने कहा लाया हूँ, तो जितने हणा हूँ नहीं पीछे हटना, तो यहाँ तक पहुँच गया। और माँ का आशीर्वाद है, पूरे हिंदुस्तान का आशीर्वाद है यहाँ तक पहुँचने में, पहुँच गया जी। और आप जब अंदर आए तो श्री राम जी अयोध्या में आप बसे हैं, उनका आगमन शुभ हुआ जी। मम्मा ने जब फैमिली वीक में आए तो हमें लगा था कि फर्स्ट को हो रहा है, बट मम्मा ने बताया 22nd को, तो मैंने कहा ठीक है बाहर आके ही सेलिब्रेशन करते हैं, अभी तो अंदर ही रह के करना पड़ेगा। तो बहुत खुश था मैं, और जय श्री राम मैं बोलता रहता हूँ, तो स्थापित हो गया तो बहुत खुश हूँ मैं। सफ़र जाहिर सी बात है आसान तो नहीं था आपके लिए, कई इल्ज़ाम लगे, कई बार आपको टूटते हुए देखा, तब लगा था को जो कॉन्फिडेंट था आगे पहुँचने का, ट्रॉफी जीतने का, कहीं पर डगमगा गया था? कभी भी नहीं, कुछ नहीं डगमगाया था, वो भी एक पार्ट था मेरी जर्नी का और उसको भी मैं जी रहा था। अगर आप सैड भी होते हो मतलब तब भी आप एक इमोशन जाहिर कर रहे हो, अगर आप गुस्से में होते हो हर एक इमोशन आप जाहिर कर रहे होते हो, तो वो मोमेंट आया था, बस उसको ये था कि आप उसको लेके बैठ नहीं सकते हो, आपको ओवरकम होना ज़रूरी है। तो मैं ओवरकम हुआ, 2 दिनों में ही हो गया था और फिर आगे बढ़ा मैं और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। लोगों ने काफ़ी बार आपके कॉन्फिडेंट को एक ओवर कॉन्फिडेंस का भी नाम दिया, ऐसे लग रहा था कि आप में एटीट्यूड है, ऐसे कहा जा रहा था, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे बोला गया कि जब मैं दोबारा से वापस आया था तो मुझमें ओवर कॉन्फिडेंस बोला जा रहा था, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, वो उनकी जलन थी कि मैं, मुझे वापस कैसे बुला लिया गया, उनके टॉप 5 की जगह हिल गई थी कि यार ये वापस आ गया, अब इधर उधर हो जाएगी। तो मैं वैसा ही था जैसे पहले था, बट उनको ये था कि अगर हमने हाथ खड़ा किया तो तू हमें बोल नहीं सकता है। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, अगर मैं आया हूँ कुछ गलत होगा मैं बोलूँगा, और मैं बोला, और जब मैं बोला तो उनको लगा कि मेरे में एटीट्यूड है। मैंने कहा आप जो सोचना चाहो सोच सकते हो। तू तड़ाक को बात करने के लिए काफ़ी टोका गया, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर हो आप, तो आप नहीं सह सकते अगर आपसे कोई तू तड़ाक में बात करे, क्या होता है आप? मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं विक्की भाई अंकिता जी से वैसे बात ना करूं, आपकी माँ ने भी कहा था। उसके बाद पर मैंने नहीं किया, आपने नोट किया होगा, जब मेरी मम्मा ने आके बोला उसके बाद मैंने एक बार भी उनसे लड़ा नहीं, मैं ईशा समर्थ के मैटर से दूर रहा। और उससे पहले मैंने बहुत बार ट्राई करी कि यार मैं तू तड़ाक में ना हूँ, फिर मेरे से नहीं होता था कंट्रोल, मैं बोल देता था। तो मैं समझता था कि अगर आप एक शो में आए हो, वहाँ पे अंकिता लोखंडे जी एक बहुत बड़ा नाम है, बट मुझे ऐसा लगता था कि आप मेरे लिए सेम उस पे हो, सेम स्केल पे हो, क्योंकि आप कंटेस्टेंट हो, तो अगर आप खेल रहे हो तो मैं भी खेलने आया और मैं भी जीतने आया। तो इसलिए लास्टली, क्योंकि आपका रिलेशन ख़त्म हो चुका है आपने जाहिर किया, लेकिन जब ईशा बाहर आई तो एक है उसका कुछ हेयर बैंड या कुछ आपने रखा था, वो क्यों रखा था? क्योंकि ईशा ने बोला ये गलत है। हाँ, तो पहले तो मैं उसे एक्चुअल में टनल तक छोड़ना चाहता था और मैंने छोड़ा भी, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ मैं रोने लग गया, मेरे को बहुत रोना आ रहा था ये, और मुझे उड़ारिया की कोई बिग बॉस की कोई मेमोरी याद नहीं आ रही थी, उड़ारिया की मेमोरीज याद आ रही थी। और जब मैं उसका सामान रख रहा था पैक करके, तो मुझे एक हेयर बैंड मिला, तो मैं देखा था उसने एक बार पहना था, तो मैंने कहा यार पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने उसको उठा के, मुझे नहीं पता था कि स्टोर रूम में भी वो दिखाएंगे, मैंने उसको उठा के रख लिया। और सुबह मेरे को याद आया कि तूने क्या किया है, फिर मैंने उसको उठा के दिमाग के कमरे में वापस रखा, तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो एकदम से हुआ और मैंने उसको फिर डन एंड डस्टेड कर दिया। क्लॉस्ट्रोफोबिक हो आप, बट सुना है खतरों के खिलाड़ी का ऑफर आया आपको, अगर ऑफर आया सच में तो जाना चाहेंगे? पता नहीं, इस पे मैं कोई आंसर नहीं कर रहा हूं। स्माइल है मतलब शायद हो भी सकता है, तो ये फेक स्माइल भी हो सकती है। लास्टली, जिन्होंने प्यार दिया यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि कई सारे स्टार्स थे और आपने खुद कहा है कि एक एक्स्ट्रा से आपने कहीं ना कहीं शुरुआत की थी, तो जहाँ से यहाँ तक पहुँचने का सफर जो है जिसमें फैंस ने बहुत साथ दिया, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे और उस सफर के बारे में कि किस तरह से शुरुआत की? सफर किस तरह,
हाँ मतलब एक ना जब जब से एक बच्चे को समझ होती है ना कि क्या करना है, तब से मुझे एक्टर बनना था। और एक क्राउड से स्टार्ट किया था मैंने, 3-4 साल क्राउड में काम किया, बॉम्बे आया, स्ट्रगल किया और आज मैं यहाँ हूँ। बस बहुत सारा प्यार और थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे वोट्स करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बस मैं आपसे प्रॉमिस करूँगा आगे चल के मैं कुछ भी करूँगा ना आपको पसंद ही आएगा, क्योंकि मैं चाहे देर से दिखूँगा पर ब्लास्ट करता हुआ दिखूँगा। तो आप बस वेट करना और हर एक प्रोजेक्ट को बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।